गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस सिंह। तो गाइस, आप सब देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ रेडी। और कहाँ के लिए रेडी हुई हूँ मैं अभी बताती हूँ आपको। बाकी मैं बता दूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और प्रीत अंदर हैं, तो मैं हूँ अपने बाहर बरामदे, हाँ बरामदा कहते हैं, हाँ वेड़े च। और तो गाइस मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ अमन के घर, यानी अपनी ननन के घर। रक्षाबंधन पाई थी, वो चली गई थी, तो आज हम मैं और प्रीत हम दोनों जा रहे हैं अमन के घर। वो इसलिए क्योंकि उसको ना मेरे हाथ का ना मिर्च का अचार बहुत पसंद है, तो मैंने उसने मुझे फ़ोन करा था कल कि मेरे को मिर्च का अचार चाहिए, तो मैंने वो डाल दिया है, वो मैंने शाम के टाइम ही डाल दिया था और अब तक वो ठीक हो गया। तो हम जा रहे हैं उसके घर पर उसको देने के लिए, हरी मिर्च का अचार उसे बहुत पसंद है। प्रीत है अंदर, तो मैं मिलवाती हूँ आपको। यार सुबह ना इतना अच्छा मौसम था, मतलब अब देख लो धूप होगी, सुबह ना इतना अच्छा मौसम था। दोस्तों ये रहा मिर्च का अचार और ये डब्बा, इसमें मैं डालूंगी। और मिर्च का अचार जो है बहुत टेस्टी बना है और अमन खा के इसका रिव्यू बताएगी, तो देखते हैं उसको, होप करती हूँ अच्छा लगेगा उसको। और बाकी चलो आप लोगों को मैं प्रीत से मिला देती हूँ। और यार अचार ना, ये मिर्च बहुत तीखी वाली है, पर इसमें मैंने जो मसाला वगैरह मिक्स करा है ना, तो उससे जो है इसका तीखा मन है थोड़ा लाइट हो जाएगा। गाइस तो हम लोग आए हैं आज एक्टिवा पे, क्योंकि बहुत दिनों से हम एक्टिवा पे कहीं गए नहीं थे, जहाँ भी जाते थे गाड़ी में जाते थे, तो मैंने बोला। और आज मौसम भी इतना सुहाना है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। सुबह तो धूप थी पर अब बारिश वाला हो गया, तो मैंने इनसे बोला कि मौसम भी इतना अच्छा है, इतना सुहाना है, तो हम एक्टिवा पे ही चलते हैं। और कभी कभी ना बाइक और एक्टिवा की राइड वगैरह करनी चाहिए, गाड़ियों में तो हम लोग हमेशा जाते हैं, है ना प्रीत? गाइस जैसे कि हमारे यहाँ पड़ता है फाटक, और हर बार की तरह ये आज भी बंद है। सब लोग कर रहे हैं वेट ट्रेन के आने का, पर अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं है, और इतनी जल्दी पहले ही कर देते हैं ना प्रीत? आने वाली होगी वैसे ट्रेन। मौसम देखिए आज बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर मौसम आज, पर मज़ा आ गया एक्टिवा पे इतने महीनों बाद, है ना। हम एक्टिवा पे बहुत कम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मतलब कार में जाते हैं, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं यार, मैं ना वैसे भी मौसम का करके आई हूँ, नहीं तो अगर धूप वगैरह होती तो मैं बिल्कुल नहीं आती, पर मौसम भी अच्छा था तो सोचा चलो एक्टिवा पे चलते हैं। बैक तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अमन के घर, वो रही पीछे अमन। मैं आपको अमन से मिलवाती हूँ और मैं आपको इसका ससुराल वाला घर भी दिखाती हूँ। बाकी ये कि अभी इसके घर में कोई है नहीं, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, और जो इसके जो फादर इन लो मदर इन लो वो कहीं पर गए हैं, और इसकी जो देवरानी है वो अपने मायके गई है। यहाँ पर फिलहाल अमन और अमन की वो है, क्या कहते हैं, दुरानी की बेटी, बाकी अमन है। तो मैं आपको इनका घर भी दिखाती हूँ और अमन से भी मिलवाती हूँ। अमन का वेड़ा पूरा खुला हुआ देख सकते हैं आप सब, और वो खड़ी अमन। ये रहा अमन का घर, मतलब काफ़ी खुली जगह है बहुत ज़्यादा ये। और यहाँ से है अमन की मेन एंट्रेंस, वैसे मेन एंट्रेंस तो वहाँ से है, बाकी अंदर आने के यहाँ से है। तो ये हो गया, हम एंट्री ले ली हमने। ये रहा इनका लिविंग रूम, तो ये रहे प्रीत, ये रही अमन। अमन हाय कर दे सबको, कर दे सही, शर्मा दिया, हाय तो कर। वैसे भी लोगों ने देखा है ये, इसकी मतलब पुरानी आदत गई नहीं। ये इनकी रसोई है, और ये इनका बाबा जी का रूम है, मतलब बाबा जी का कमरा है इनका, और ये अमन की दुरानी का कमरा है, ये अमन का रूम है। तो मैं आपको अमन का रूम दिखाती हूँ। ये रहा अमन का रूम, इनका रूम एंट्री कर रहे हैं अमन की कमरे में। नहीं, ये रही अलमारी, बेड, काफ़ी सुंदर रूम है अमन का। और ये मैं रही आपकी सुपरस्टार इन फ्यूचर अपनी तारीफ अपने मुंह से मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। और ये रहे प्रीत, ये रही छोटी सी गुड़िया, अमन की दुरानी की बेटी, सो रही है।
और मैं उनका भी रूम दिखा देती हूँ। ये अमन की दरानी का रूम है, पर अभी अंधेरा है। अमन हाय कर दे। अमन यहाँ बना रही है हमारे चाय, ठंडा वगैरह हमने पी लिया है। तो ये रहा इनका बाबा जी का कमरा। ये बाबा जी का आसन है और ये रहे बाबा जी। अमन का बहुत सुंदर घर है वैसे, अमन है ना प्रीत। पर सबसे ज़्यादा मैंने अच्छी जगह की इनका जो ये जो बाहर का जो बेड़ा है ना, मतलब आज इतना खुली जगह है ना, यहाँ पे सारे लोग शाम के टाइम मंजर बिछा के बैठते हैं। और चूल्हा, इसकी सासू माँ कभी कभी यहाँ पे रोटी बनाती चूल्हे पे। तुम लोग चूल्हे पे नहीं रोटी बनाते कभी कभी? बनाते कैरी जब सिलेंडर खत्म हो जाता है। सही है वैसे। 3 hours later. गाइस आप सब देख सकते हैं हमारे पंजाब में देखो कितनी धुंध पै गई है। धुंध पै गई है। मौसम बहुत सुहाना हमारे यहाँ, देख सकते हैं आप। हम लोग अमन को कर चुके हैं अलविदा, वहाँ से लेके अपने भाई अपने बेटे की और 2005 एक्टिवा राइड लेके मजा आ गया। प्रीत प्रीत मुँह मासा बांधा पड़ा।